आज आप कौन सुन रहा है? आपके झूठा केस में थाना का बंद कर देता है, आपको कोई पैरवी नहीं है। अभी आप अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ये सोचते हैं कि आपका अपना रहेगा, अपना परिवार होगा और ये आपका आने वाला बुढ़ापा का सहारा होगा। आज देखिए हर जाति समुदाय के लोग कितना आगे निकल चुका है और हम कहा है, लोग चांद पे घर बना रहा है लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए घर नहीं है। नहीं कहता है कि पिताजी मम्मी आपको जन्म दीजिए, आप अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ये सोचते हैं कि आपका अपना रहेगा, अपना परिवार होगा और ये आपका आने वाला बुढ़ापा का सहारा होगा। लेकिन उसको क्या, उसके लिए आपको भी तो कुछ करना रहेगा, उसके लिए आपको पढ़ाना लिखा होगा, उसको काबिल बनाना रहेगा। आप उनके लिए लड़ाई लड़िएगा और जिस वक्त उनको पढ़ा लिखा के काबिल बना दीजिएगा तो वो अपने बच्चे के लिए पढ़ा लिखा करेगा, काबिल करेगा। आज देखिए हर जाति समुदाय के लोग कितना आगे निकल चुका है और हम कहा है, लोग चांद पे घर बना रहा है लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए घर नहीं है। आज आपका कौन सुन रहा है? आपके झूठा केस में थाना का बंद कर देता है, आपको कोई पैरवी नहीं है। अभी हम वैशाली में जा रहे हैं, वहां पे हमारे समाज के बच्चे को मार के उसको गाछ में लटका दिया और उसके परिवार के बच्चे लोग विरोध किया कि हमारे भाई को क्यों मार दिया और उस परिवार के चार महिला को जेल में बंद कर दिया। मैंने एसपी से बात किया, भाई क्यों किया, तो विरोध कर रहा था। अरे भला उसका इतना भी अधिकार नहीं है कि तुम उसके बच्चे को मार दिया और वो अपने बच्चे के लिए भाई के लिए विरोध भी नहीं कर सकता है? और विरोध किया तो इसका ये मतलब है तुम जेल में डाल दिया। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए 2 घंटा 4 घंटा आप उसके ऊपर शक्ति रख के 6 घंटा बैठा कर रख दीजिए, उसको भयभीत कीजिए, डराइए, लेकिन इसका ये मतलब थोड़े है उसको आप जेल भेज दीजिएगा। जेल भेज दिया। अब बताइए यहाँ पे लोग इस तरीके से सोच रखता है, इसके लिए किसको लड़ना पड़ेगा?